हेलो माय शिमरिंग स्टार, आई एम अनामिका दया। वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ ट्यूटर्स थ्योरी। हम कर रहे हैं अचीवमेंट मोटिवेशंस की थ्योरी। तो दिस इज द नेक्स्ट थ्योरी ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन एंड इट इज गिवन बाय एटकिंसंस। तो इसे बोला जाता है एटकिंसंस थ्योरी ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन। मैंने इससे पहले मैकलैंड की कराई थी, तो आप वो भी देख सकते हो। वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू एटकिंसन, एटकिंसन क्या कहते हैं, अचीवमेंट मोटिवेशन प्रोवाइड डायरेक्शन, इंटेंसिटी एंड कंटिन्यूटी टू द बिहेवियर। देखो, जब मैंने मैकलैंड की कराई थी तो मैंने आपको तीन फैक्टर बताए थे कि बेटा नैच होती है, नैफ होती है और एनपावर होती है। तो उन्होंने बताया था कि जो मोटिवेशन है ना, वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। या तो आप कुछ अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, या आप रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, या आप पावर में आना चाहते हो। बट एटकिंसन ये कहते हैं कि हमारी अचीवमेंट मोटिवेशन हमें प्रोवाइड करती है इंटेंसिटी, मतलब आपकी अचीवमेंट को गेन करने की इंटेंसिटी कितनी सीवियर है, या आप कितना चाहते हो और अपने बिहेवियर को कितना कंटिन्यू रखना चाहते हो। ओके, तो अकॉर्डिंग टू एटकिंसन क्या समझ आया कि अचीवमेंट मोटिवेशन है, वो अचीवमेंट मोटिवेशन आपके गोल को इंटेंसिटी प्रोवाइड करता है, स्पीड अप कर देता है या फिर स्लो अप कर देता है, और आपके बिहेवियर को कॉन्टिन्यूस रखने के लिए डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आ जाओ अचीवमेंट मोटिवेशन। अचीवमेंट मोटिवेशन क्या होता है, ड्राइव टू अचीव सक्सेस फॉर इट्स ओन सेक। मतलब जब आप अपने स्वयं के लिए अभी प्रेरित रहते हो किसी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए, मतलब अचीवमेंट मोटिवेशन के अंडर है कि आपको उसको कितनी जरूरत है आपकी। देन कॉम्पिटिटिवनेस प्रिजिस्टेंस स्ट्राइविंग फॉर द परफेक्शन, कि आप कितनी स्पर्धा रखते हो, कितना आपको ये स्ट्राइव है कि मुझे परफेक्शन तक पहुंचना ही पहुंचना है। तो इसके दो पार्ट हो सकते हैं, या तो आप पर्सनली कुछ करना चाहते हो इंडिविजुअली, या आप सिचुएशनल काम कर रहे हो। तो पर्सनल का मतलब है कि जब आप इंडिविजुअल काम करना चाहते हो, आप खुद से सोचते हो, आपको खुद को कुछ करके दिखाना है, तो यहाँ पे आपकी खुद की जरूरत होती है किसी अचीवमेंट को गेन करने के लिए। एंड इसकी वजह से आप अवॉइड करते हो फेलियर को, मतलब जब आपकी नीड ऑफ अचीवमेंट आएगी तो आप फेलियर को भी अवॉइड करने की नीड इनहेंस हो जाएगी। और अगर सिचुएशनल है, आपको किसी परिस्थिति या स्थिति में रखा गया है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है कि मान लो अगर एक एम्प्लॉय है जो एक एवरेज एम्प्लॉय है और उसे सिचुएशन दी गई है बहुत कॉम्प्लेक्स, तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। अगर वो एवरेज है तो वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को इजिली नहीं कर सकता, तो 50-50 है। और अगर यहीं पर एक बिलो एवरेज एम्प्लॉय को ये काम कर दिया दे दिया जाए, तो प्रोबेबिलिटी में भी 70-30 हो जाए, तो सक्सेस प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। देन इंसेंटिव, और ये चीज एक चीज पे और डिपेंड करती है कि अगर आप किसी भी जॉब में हो तो आपको इंसेंटिव कैसा मिल रहा है, मतलब आपको बाहर से जो मिलने वाला मोटिवेशन है वो कितना है किसी काम को करने के लिए। आई थिंक क्लियर होगा आपको कि सबसे कि आपको सबसे पहले अचीवमेंट मोटिवेशन देखना है, देन आपकी ड्राइव कितनी है, आप कितने नीडी हो उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, देन आप कितना कंपीट कर सकते हो, आपको उसके लिए कितनी स्ट्राइव है आपके पास, कितने आप भूखे हो उस चीज को प्राप्त करने के लिए। तो इसकी दो सिचुएशन है, या तो पर्सनल इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से आप क्या सोचते हो, और किसी स्थिति या परिस्थिति में डालने पर आप कैसा काम करते हो। जब आप इंडिविजुअल हो तो आपकी नीड है अचीव करने की, तो आप फेलियर को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करोगे, और आपकी एक नीड भी है ये। अगर सिचुएशनल है तो आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी डिसाइड हो जाती है कि आप कितनी सक्सेस अचीव कर सकते हैं, और उसी सक्सेस को अचीव करने के लिए आपके पास एक फैक्टर और होता है, वो है आपका इंसेंटिव। इंसेंटिव होता है द प्रमोटर ऑफ द मोटिवेशन, जो आपके मोटिवेशन को भी प्रमोट कर देते हैं किसी कार्य को करने के लिए। क्लियर। इसके बाद है अचीवमेंट मोटिवेशन। एटकिंसन ने अपनी थ्योरी ऑफ अचीवमेंट के अंदर एक इक्वेशन दी है, और ये इक्वेशन बहुत बार पेपर में आ जाती है, और ये पूछ लिया जाता है दैट इक्वेशन या दिस इक्वेशन इज गिवन बाय, इस इक्वेशन को दिया किसने है। तो आपको ध्यान रखना है, ये दी है एटकिंसन्स ने, और आपसे जो एक्रोनिम्स हैं इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि MS को क्या बोलते हैं, PS को क्या बोलते हैं, IS क्या होता है।
तो एटकिंसन ने अपनी पूरी टेंडेंसी किसी एक्टिविटी को अप्रोच करने की तीन फैक्टर पे डिपेंड बताई है. फर्स्ट है एम एस मतलब द मोटिव फॉर द सक्सेस, मतलब आपका अभिप्रेरक कितना है उस सक्सेस को अचीव करने के लिए. देन आता है पी एस मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सक्सेसफुल, आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है उस सक्सेस को अचीव करने के लिए. यू नो द प्रोबेबिलिटी कि आपके नंबर ऑफ एक्शंस कितने हैं और टोटल एक्शंस कितने हैं, तब टोटल एक्शंस आपने कितने लिए हैं और नंबर ऑफ नीडी एक्शंस कितने हैं, ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. देन इसके बाद आता है आईएस. आईएस होता है इंसेंटिव वैल्यू ऑफ सक्सेस, मतलब आपकी जो सफलता है वो डिपेंड करती है आपको बाहर से कितना प्रमोट किया जा रहा है, आपको कितना इंसेंटिव प्रोवाइड किया जा रहा है. तो वी कैन से दैट इंसेंटिव इज अ प्रमोटर ऑफ आवर मोटिवेशन. हमारे जो मोटिवेशन है, हमारी जो अभिप्रेरणा है, ये उसमें भी अधिकता लाने का काम करता है. इसके बाद है इक्वेशन. इक्वेशन क्या है वो ध्यान से सुनो. टी एस एम एस इंटू पी एस इंटू आई एस. टी एस टेंडेंसी टू अप्रोच एन एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी को जब आप अप्रोच कर रहे होते हो तो उसकी टेंडेंसी कितनी है. वी कैन से दैट कि हम टोटल किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए क्या कार्य कर रहे हैं. इसके बाद है एमएस. एमएस मैंने बताया कि आपके मोटिव ऑफ सक्सेस कितने हैं, पीएस आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग सक्सेस कितनी है, एंड आईएस द टाइप ऑफ इंसेंटिव यू आर गेटिंग टू अचीव दैट सक्सेस, मतलब किसी कार्य को पूरा करने के लिए आप बाहर से कितना अभिप्रेरित हो रहे हो वो आपका आईएस हो जाएगा. इसके बाद है चूजिंग अ टास्क. अब एटकिंसन ने ये चीजें भी बताई हैं कि कैसे एक जो वर्क फील्ड पे काम कर रहा होता है या एक जो एम्प्लॉय है वो कैसे काम कर रहा होता है. पहली बात उन लोगों के लिए बताई है जिनकी हाई नीड है किसी काम को करने के लिए, हाई अचीवमेंट है, और तो वो सक्सेस की टेंडेंसी के लिए ऐसे टास्क चूज करते हैं दैट आर चैलेंजिंग, जो उनको चैलेंज प्रोवाइड करते हैं बट नॉट ओवरवेलमिंग, मतलब जो ज्यादा परेशान भी नहीं करते और टास्क अचीविंग भी होता, चैलेंजिंग भी होते हैं. ठीक है, तो जिनकी नीड हाई है, मतलब जो जल्दी से अचीवमेंट उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो टास्क भी थोड़े डिफिकल्ट चूज कर लेते हैं जिससे उनकी अचीवमेंट और भी ज्यादा हाई हो जाए और उनकी नीड्स भी हाई होती हैं, तभी वो ये काम करना चाहते हैं. ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें फियर होता है फेलियर का, मतलब वो डर से डर जाते हैं. तो बट ये मत मानो कि वो हमेशा ही एक डल काइंड ऑफ टास्क ही करेंगे. वो ऐसे टास्क भी ले सकते हैं जो किसी ने एक्सपेक्ट भी ना किए हों और वो उन पे भी काम कर जाए. तो समटाइम्स दे चूज फॉर द अबव देयर हेड परफॉर्मेंस, कई बार वो अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि से भी ऊपर वाला काम ले लेते हैं और उसे भी अचीव करके दिखाते हैं. देन एटकिंसन थ्योराइज्ड दैट दिस बिहेवियर माइट बी सो पर्सन हैड समथिंग ब्लेम देयर फेलियर ऑन व्हाट इट ऑकर्ड. कई बार ये भी होता है कि अगर कोई पर्सन फेल हो जाता है, मान लो एक स्टूडेंट है और वो एक एग्जाम लिख रहा है, ठीक है, उसके पास एक पेन है, वो एग्जाम लिखने बैठा हुआ है, तो एग्जाम का जब उससे घर आके पूछा पेरेंट्स ने कि हाउ्स योर एग्जाम, तो बच्चा कहता है इट वाज वेरी गुड, एंड व्हेन रिजल्ट डे इज कम आउट तो वो फेल हो जाता है, ही और शी इज गॉट फेलियर. तो पेरेंट्स पूछते हैं कि तुम तो कह रहे थे कि बहुत एग्जाम अच्छा गया, फिर तुम फेल कैसे हो गए. तो बच्चा ना एक्सक्यूजेस देता है कि जो एग्जामिनर है या फिर जो पेपर चेकर है वो अच्छा नहीं था, मेरी तो शीट अच्छी नहीं आई थी, मुझे तो अच्छा बेंच नहीं मिला था, ठीक है, या मेरे तो टीचर ने ये वाला टॉपिक कराया नहीं था, ये आउट ऑफ सिलेबस था. ऐसे बच्चे ना बहाने लगा रहे होते हैं. तो हम क्या करते हैं, या फिर कोई एम्प्लॉय भी होता है तो वो क्या करते हैं, एटकिंसन ने थ्योराइज किया है क्योंकि उसने तीन फैक्टर बताए, उनका मोटिव बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और इंसेंटिव बताया, और मेनी ऑफ द टाइम इट इज अ ट्रुथ. तो ये बहुत बार सच भी साबित हुआ है कि लोग अपना जो फेलियर है, अपनी असफलता है, वो थोप देते हैं दूसरी चीजों पर. तो क्या कह रहे हैं एटकिंसन कि जो भी बिहेवियर होता है हमारा, जो आफ्टर फेलियर जो भी बिहेवियर होता है, वो कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों को ब्लेम कर रहे होते हैं अपने फेलियर के लिए कि वो हुआ कैसे है. ठीक है, सो इट इज ऑल अबाउट एटकिंसन. देखो बड़ी छोटी सी थ्योरी है. एटकिंसन ने क्या कहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी थ्योरी के लिए, अपनी एटकिंसन
अपनी थ्योरी के लिए सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो हमारा अचीवमेंट मोटिवेशन है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड कर, ये क्या बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, हमारी इंटेंसिटी, किसी कार्य को करने की इंटेंसिटी क्या रहेगी और प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी किसी काम को करने की। दूसरे एटकिंसन ने बताया, इसने ना तीन फैक्टरों पे काम किया, एमएस, पीएस एंड आईएस। मैं दिखाती हूँ आपको, एमएस मोटिव मतलब आपके अभिप्रेरक कितने हैं किसी कार्य को करने के लिए, आप बाहर से कितने प्रेरित हो। देन प्रोबेबिलिटी आप कितनी है आपके सक्सेस अचीव करने के लिए, आपने मतलब ये डिसाइड होती है कि आप आज तक आपने कितने टास्क परफॉर्म किए हैं और उस टास्क में आपको अचीवमेंट कितने टास्क में मिली है। मान लो आपने 10 टास्क आज तक परफॉर्म किया और आपको अचीवमेंट मिली है 5 की, तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.5 की। क्लियर, ऐसे प्रोबेबिलिटी डिसाइड होती है। अब इंसेंटिव कितना मिलता है, मान लो आपने वही 5 टास्क किए, वो 5 टास्क भी कैसे किए, यू आर अ वेरी बिलो एवरेज काइंड ऑफ एम्प्लॉय, तो आपने जो पहला टास्क किया तो आपके जो मैनेजर थे या फिर जो भी आपको अमाउंट या अर्निंग देते हैं आपकी, उन्होंने आपको 5,000 एक्स्ट्रा दे दिए, ठीक है। फिर आपने दूसरा टास्क परफॉर्म किया तो उन्होंने क्या करा, आपको 6,000 दे दिए। ऐसे ऐसे करके अगर आपने फोर्थ टास्क किया तो उन्होंने ना आपका इंसेंटिव कम रखा, या फिफ्थ, या जब आपने फिफ्थ टास्क किया तो उन्होंने आपका इंसेंटिव कम रखा, वो मान लो कि 1,000 ही रखा, ठीक है। जब उन्होंने आपका इंसेंटिव कम रखा तो आपकी जो मोटिवेशन था वो डिक्रीज हो गया, और जैसे ही मोटिवेशन डिक्रीज हुआ आप क्या हो गए, यू गॉट द फेलियर, है ना, तो आपको फेलियर मिल गया। तो इंसेंटिव पे भी हमारी सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है। इसके बाद मैंने इक्वेशन बताई, इक्वेशन था TS इज इक्वल टू MS इंटू PS इंटू IS। MS, वेयर MS इज द मोटिव फॉर द सक्सेस, PS इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग दैट सक्सेस, एंड IS इज द इंसेंटिव फॉर द सक्सेस कितना मिल रहा है, एंड TS भी आपको ध्यान रखना है, टेंडेंसी टू अप्रोच एन एक्टिविटी। इसके बाद चूजिंग अ टास्क, मैंने दो चीजें बताएं जिनकी अचीवमेंट बहुत हाई रहती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी अचीवमेंट लो रहती है, या फिर उन्होंने अब तक फेलियर ज्यादा फेस किए होते हैं। जैसे मैंने एक एम्प्लॉय का एग्जांपल दिया कि 10 बार टास्क किया है और 5 बार अचीवमेंट गेन की है, नेक्स्ट है चूजिंग अ टास्क। इसके बाद मैंने बताया आपको देर आर टू काइंड ऑफ पर्सन, वन विच अचीव एट अ हाईएस्ट पोजिशन एंड सेकेंड वन इज अ गॉट फेलियर अ मेनी ऑफ टाइम। तो जिनकी अचीवमेंट हाई रहती है वो मेनली, ऐसा नहीं है हर बार, मेनली वो कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करते हैं, बट जो उन्हें ज्यादा बॉदर ना करे। देन इसके बाद होते हैं हमारे ऐसे जो फेलियर ज्यादा अचीव करे, इसका मतलब वो एक डल या बिलो एवरेज नहीं है, वो कई बार ऐसे टास्क भी कर जाते हैं जो उनकी हेड परफॉर्मेंस से भी ज्यादा बेटर होता है। इसके बाद मैंने ब्लेम गेम बताया तुम्हें कि अगर हम किसी सिचुएशन के लिए फेल हो जाते हैं तो हम या तो एक पर्सन पकड़ के रखते हैं कि मैं इसकी वजह से फेल हुआ, या मैं एक सिचुएशन पकड़ के रखता हूँ या रखती हूँ जिसको ब्लेम गेम करते हैं हम जिस भी सिचुएशन के लिए। सो इट इज ऑल अबाउट एटकिंसन अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। एग्जाम में बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं कि वट इज TS, वट इज MS, वट इज IS। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। कीप ग्रोइंग, कीप गोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट। और इसकी सारी वीडियो आपको इस प्लेलिस्ट की मोटिवेशन से रिलेटेड आपको मैं मोटिवेशन प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, जो भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।